अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस डायलॉग पार्ट टू, इसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दिस स्टोरी या इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर तो ज़्यादा फोकस है। अच्छा देखें, जब हम समटाइम्स कोई पास्ट में कोई स्टोरीज बयान करते हैं तो मोस्टली वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट। कोई पास्ट एक्टिविटी अगर हम किसी से बयान करते हैं, कोई प्री पास्ट एक्सपीरियंस, कोई अचीवमेंट वगैरह जो शेयर करते हैं, तो उसको हम आइदर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं या कोई पास्ट एक्टिविटी को मेंशन करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और स्टोरी टेलिंग में ख़ास तौर पर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक सीन डिस्क्राइब किया गया है और वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब दैट सीन। और उस सीन में अगर आप देखते हैं व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, देन मेन टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट इज़, वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्योंकि मौजूदा सिचुएशन को या करंट जो वर्क चल रहा हो, एक्टिविटी चल रही हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिएगा कैसे हम उस सीन को प्रेजेंट कंटिन्यूस की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। द शेख्स आर हैविंग सच अ ग्रेट टाइम, आर हैविंग, ठीक है। इस आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। शेख की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त रख रहे हैं या गुजार रहे हैं, ठीक है, ये इसकी सेंस बनती है। इट्स अ प्लेजेंट इवनिंग, ये एक खुशगवार शाम है। बिलाल एंड हिज पेरेंट्स आर वॉचिंग अ कॉमेडी ड्रामा। तो करंटली अगर वो सीन डिस्क्राइब करने में वो क्या देख रहा है जो राइटर जो है वो, या उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, दैट बिलाल एंड हिज पेरेंट्स, बिलाल और उसके जो वालिदैन हैं, आर वॉचिंग अ कॉमेडी ड्रामा, एक मजाहिया ड्रामा देख रहे हैं। इट्स सो फनी, ये बहुत ही मजाहिया है। दे आर लाफिंग अ लॉट, दे आर लाफिंग अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। तो यानी कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसे सीन को जैसे आप खुद उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आप जब प्रेजेंट एक्टिविटी को जब बताते हैं तो इट्स लाइक योर ऑब्जर्वेशन, इट्स लाइक व्हाट यू आर डूइंग। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट यू आर डूइंग तो आप अपने बारे में बताएंगे। व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं उसके लिए हम एक डिस्क्रिप्शन पेश कर सकते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और वो यानी कि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम अपने वर्ड्स में इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, सोफिया एंड हर मोम आर सिटिंग ऑन द सोफ़ा। सोफिया और उसकी वालदा जो हैं वो सोफ़ा पर बैठ रहे हैं और बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि वो वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो ये यानी कि वो उनकी एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। सोफिया इज़ प्लेइंग विद हर डॉल, सोफिया जो है वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। लिटिल मून इज़ प्लेइंग विद हिज टॉय कार ऑन द फ्लोर, और छोटा मून जो है, मून प्यार से उसका नाम है, मून, छोटा मून, लिटिल मून, अपनी खिलौना गाड़ी के साथ फर्श पर खेल रहा है। नेक्स्ट है जी आपका, सोफिया एंड मून आर नॉट वॉचिंग द कॉमेडी। सोफिया और मून जो हैं वो कॉमेडी या मजाहिया ड्रामा नहीं देख रहे हैं। वर्दा इज़ इन हर रूम, वर्दा अपने कमरे में है। शी इज़ सिटिंग एट हर डेस्क, और वो अपने लिखने वाले मेज़ पर बैठी है। शी इज़ टाइपिंग ऑन हर लैपटॉप, वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर टाइप कर रही है। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पर यानी कि एक्टिविटी को बताया जा रहा है, लेकिन असल में इसमें असूली तौर पर जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे होते हैं तो 100% आप अपनी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। समटाइम्स यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, जैसे वर्दा इज़ इन हर रूम, वर्दा जो है वो अपने कमरे में है। शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ सिटिंग ऑन हर डेस्क, शी इज़ सिटिंग एट हर डेस्क। ऑन का मतलब होगा कि वो बिल्कुल डेस्क के ऊपर बैठी है। एट का मतलब है लोकेशन, यानी कि उसके अपने डेस्क के पास, यानी कि मेज़ के पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ज़रा नोट कीजिएगा। शी इज़, अगर मैं कहूँ शी शी इज़ सिटिंग ऑन हर टेबल ऑन हर डेस्क, इसका मतलब वो डेस्क के ऊपर बैठी है। बट शी इज़ नॉट सिटिंग ऑन द टेबल डेस्क, रादर शी इज़ सिटिंग एट हर डेस्क, यानी कि अपने डेस्क की पोजिशन के पास बैठी है। तो वो अपने लिखने के मेज़ पर बैठी है। जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसी तरह से उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, बट इंग्लिश में आपको ये पॉइंट समझना है कि शी इज़ सिटिंग ऑन हर डेस्क, वो अपने मेज़ पर या डेस्क के ऊपर बैठी है, ठीक है। तो वो एक सेंस नहीं बनती, तो एट यूज़ करेंगे हम। शी इज़ टाइपिंग ऑन हर लैपटॉप, अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। पहले वाला सेंटेंस देखें, आर नॉट वॉचिंग, तीन प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेज हैं।
ठीक है, और सेंटेंसेस और वन जो है वो सिंपल प्रेजेंट। सो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, इट्स नॉट ऑलवेज यू हैव टू यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंस्टेड आप प्रेजेंट सिंपल में भी आप जुमले ऐड करेंगे उसमें। सो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। मिसेस शेख, हर नेम इज़ आमना, इज़ लीविंग नाउ, वो अब जा रही हैं। ठीक है, मिसेस शेख, पहले वो सोफ़ा पर बैठी हुई थी, नाउ शी इज़ लीविंग, मिसेस शेख अब जा रही हैं। मिस्टर शेख, उनके हस्बैंड जो हैं, वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो आमना, आमना कहाँ जा रही हो। ठीक है, आमना तुम कहाँ जा रही हो। मिसेस शेख सैड, आई एम गोइंग टू द किचन, मैं बावर्ची खाना में जा रही हूँ। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। आई एम गोइंग, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई हैव टू मेक डिनर, देखें साथ ही उन्होंने जब रीज़न पेश किया है तो उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस से निकल के वो हैव टू में आ गई। हैव टू जो है वो आपका मॉडल फॉर्म, मॉडल वर्ब है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये मस्ट और हैव टू जो है ये वो ऐसे काम होते हैं जो आपको लाजमी करने हो। मुझे रात का खाना बनाना है, आई हैव टू। ठीक है, शी हैज़ टू डू दिस, ओके, शी हैज़ टू पिक अप हर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल और वेयर एवर फ्रॉम शी नीड्स टू। तो हैव टू की सेंस वहीं पे आती है जो काम आपको लाजमी करना हो। आई हैव टू कट माई हेयर, ठीक है, मेरे बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, मुझे कटवाने हैं। सो वो काम जो आपको लाजमी करने हैं उनके लिए हम हैव टू जो है वो यूज़ करते हैं। मुझे रात का खाना बनाना है, आई हैव टू मेक डिनर, और ये रीज़न पेश करते हुए यूज़ कर रही हैं। सो ओवर हेयर शी कैन नॉट डिस्क्राइब दिस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं कर सकती। सो हमें देखिए, मैं मेरे बताने का मकसद ये है कि आपको किन किन चीज़ों में, आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए किन किन चीज़ों में आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए, टेंसेज में ग्रिप होनी चाहिए, प्लस इस तरह के मॉडल वर्ब्स को यूज़ करना आना चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या बोलना चाहिए, फिर आप इसी तरह रिक्वेस्ट के लिए आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर के लिए आप कैसे बोलेंगे। तो दीज आर द मेन थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर कन्वर्सेशन, और आप देख सकते हैं कि टेंसेज का एक अच्छा खासा रोल है इसमें। जी, मुझे रात का खाना बनाना है। नेक्स्ट, मिस्टर शेख, आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, आई कैन हेल्प यू, साथ ही उन्होंने मॉडल वर्ब और अपनी एबिलिटी का डिस्क्राइब किया, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूँ, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर एंड मिसेज शेख आर मेकिंग डिनर नाउ, अब ये फिर सिचुएशन डिस्क्रिप्शन आ गई, अब वो सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मिस्टर एंड मिसेज शेख आर मेकिंग डिनर नाउ, अब वो खाना बना रहे हैं। दे लाइक टू कुक टुगेदर। अच्छा, इसी तरह देखें, अगर फर्ज करें मैं मिस्टर और मिसेज शेख का, अगर मुझे अगर फ़ोन आ जाता है कोई और फैमिली किसी मेम्बर का कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ माई पेरेंट्स आर मेकिंग डिनर नाउ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ये नहीं कि आप खाली स्टोरी में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, यू कैन टेल, यू कैन मेंशन दीज और यू कैन यूज़ दीज सेंटेंसेज इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो दे लाइक टू कुक टुगेदर, दे लाइक टू कुक टुगेदर, वो पसंद करते हैं इकट्ठे पकाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये उनकी हैबिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो गया यहाँ पे। मिसेस शेख इज स्लाइसिंग द वेजिटेबल्स, मिसेस शेख जो हैं वो वेजिटेबल्स को काट रही हैं। एंड हर हस्बैंड इज़ फ्राइंग द फूड, और उनके खावन जो हैं वो मिस्टर शेख जो है वो खाना भून रहे हैं। ठीक है जी, फ्राइंग द फूड। नेक्स्ट आके जी, फिर आगे है, डिनर इज़ रेडी नाउ, रात का खाना तैयार हो गया है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। बट वर्दा इज़ मिसिंग, ठीक है, वर्दा मौजूद नहीं है। तो वर्दा इज़ मिसिंग जो है ये आपका, ये बेसिकली ये सेंटेंस आप इसका ट्रांसलेशन यही बनेगी, ये इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस से कोई रिलेशनशिप नहीं है। वर्दा इज़ मिसिंग यानी कि वो मौजूद नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग, तो ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है कि वर्दा इज़ नॉट हेयर, लाइक वर्दा इज़ नॉट देयर, ये भी कह सकते हैं, वर्दा इज़ नॉट देयर और वर्दा इज़ मिसिंग। ठीक है जी, ये आपको जुमले आप 10 दिन में रखने और मेमोराइज़ करना है कि समटाइम्स अगर कोई बंदा मौजूद ना हो तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ही और शी इज़ नॉट देयर और ही और शी इज़ मिसिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट अजी शेख साहब पूछते हैं, वेयर इज़ वर्दा, ही आस्क अबाउट हर डॉट अबाउट हिज डॉटर टू सलमान, सलमान इज़ अनदर सन ऑफ हिज, वेयर इज़ वर्दा सलमान, वेयर इज़ वर्दा, वर्दा कहाँ है। सलमान प्लीज़ गो टू हर रूम एंड टेल हर वी आर वेटिंग फॉर हर, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें प्लीज़ गो, प्लीज़ रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया है। सो फादर इज़ रिक्वेस्टिंग हिज सन, प्लीज़ गो टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ। तो रिक्वेस्ट में जब भी आएगा तो जाओ खाओ पियो, ठीक है, ये करो, तो उस सेंस में आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन होती है। प्लीज़ मेहरबानी करके जाओ, गो टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ, एंड टेल हर, और उसे बताओ, वी आर वेटिंग फॉर हर, वी आर वेटिंग फॉर हर, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है जी, वेयर इज़ वर्दा,
प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, ठीक है, बी फॉर्म भी इसे कहते हैं, इज आर एम यूज हो सकता है, वेयर आर यू आप कहाँ हो, वेयर इज वर्दा, वेयर इज शी वो कहाँ है, वर्दा कहाँ है, और यू कैन मेंशन एनी नेम, सलमान प्लीज गो, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज गो टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ एंड टेल हर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस कंटिन्यूअस है, क्योंकि पीछे इंपेरेटिव चल रहा है एंड के साथ आगे भी इंपेरेटिव ही चलेगा और सलमान ही इसका सब्जेक्ट है। प्लीज गो टू हर रूम, यानी कि वो सलमान से मुखातिब है, तो सलमान इसका सब्जेक्ट होगा, उसको ऑर्डर कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गो टू हर रूम एंड टेल हर, और उसे बताओ वी आर वेटिंग फॉर हर, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस पे एंड हो गया जुमला, कन्वर्सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। सो यू हैव अ पॉइंट, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड अपॉन इंपेरेटिव सेंटेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मॉडल वर्ब, कहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, कहाँ पे ऑर्डर करना है, सो दीज आर द थिंग्स कमिंग ऑल टुगेदर, आई मीन वेल कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दीज थिंग्स आर बींग यूज इंटरचेंजेबली। ओके नाउ सलमान, सलमान इज इन द रूम ऑफ वर्दा, इन वर्दाज रूम, सलमान इज इन वर्दाज रूम, ओके, और वर्दा से वो मुखातिब है, वट आर यू डूइंग वर्दा, वर्दा तुम क्या कर रही हो, वर्दा सेज आई एम राइटिंग एन ई मेल टू माई यूनिवर्सिटी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए या यूनिवर्सिटी को एक मेल लिख रही हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी को एक मेल लिख रही हूँ, ई मेल लिख रही हूँ, तो आई एम राइटिंग एन ई मेल टू माई यूनिवर्सिटी, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। डिनर इज़ रेडी, प्रेजेंट सिंपल, डिनर इज़ रेडी, डिनर रेडी है, तैयार है, खाना रात का खाना तैयार है, एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर यू, हर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वर्दा आई एम सेंडिंग नाउ, आई एम सेंडिंग इट नाउ, मैं इसे अब भेज रही हूँ, मैं अब इसे भेज रही हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, यू मे गो, तुम जा सकते हो, शी कैन रिक्वेस्ट, यू मे गो, तुम जा सकते हो, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, ठीक है, आई एम सेंडिंग एन ई मेल जस्ट नाउ, बिल्कुल आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं इसको, इट्स नॉट नेसेसरी टू से आई एम सेंडिंग, मेन चीज़ है मैं भेज रही हूँ, आई एम सेंडिंग इट जस्ट नाउ, मैं इसे अभी भेज रही हूँ, ठीक है, सो आई एम कमिंग, आई एम आई विल फॉलो यू, आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी, ठीक है, यू मे गो नाउ, आई विल जस्ट, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रही हूँ, सो यू आप अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, ठीक है, बट द मेन थिंग इज़ दैट आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे कौन सा टेंस या कौन से जो है वो डायलॉग को कहाँ पे यूज़ करना है। मैं अब इसे भेज रही हूँ, मैं आ रही हूँ, इट्स फिनिश, द शेख्स फैमिली इज़ हैविंग डिनर नाउ, कमिंग टूवर्ड्स द सीन अगेन, कि अब वो खाना खा रहे हैं, दे आर इन्जॉइंग इट, ठीक है, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, द शेख्स फैमिली इज़ हैविंग डिनर नाउ, दे आर इन्जॉइंग इट, वो इसे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, शेख की फैमिली अब रात का खाना खा रही है, वो इसे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट बेड टाइम, ये बिल्कुल तकरीबन सोने का वक्त है, सलमान इज़ गोइंग टू द बाथरूम, सलमान अब बाथरूम की तरफ जा रहा है, ठीक है, ही इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, वो अपने दांत साफ कर रहा है। वर्दा सेज़ मॉम व्हाट इज़ सोफिया डूइंग, माँ सोफिया क्या कर रही है, इज़ शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही है, नो शी इज़न्ट, फिर यस नो क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब के साथ इज़ शी स्लीपिंग, यस नो क्वेश्चन, और नो के साथ मॉम क्या कह रही है, नो शी इज़न्ट, नहीं वो सो नहीं रही है, नहीं वो नहीं सो रही है, शी इज़ वॉचिंग टी वी, वो टी वी देख रही है, एंड शी इज़ वॉचिंग टी वी विद मून, वो मून के साथ टी वी देख रही है, ठीक है जी, सेम सोफिया एंड मून आर इन देयर बेड नाउ, सोफिया और मून अपने बेड पर हैं अब, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, देयर मॉम इज टेलिंग देम अ बेड टाइम स्टोरी, उनकी माँ उनको सोने के वक्त की कहानी सुना रही है, वर्दा इज लाइंग ऑन हर बेड, वर्दा अपने बेड पर लेट रही है, शी इज़ लुकिंग एट सम फोटोज ऑन हर फोन, वो अपने फ़ोन पर कुछ तस्वीर देख रही है, हर पेरेंट्स आर नॉकिंग एट द डोर, अब उसके वालदैन जो हैं वो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, दे आर ओपनिंग द डोर, अब वो दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे नई एक्टिविटी ऐड हो रही है वैसे वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। मॉम सेज वर्दा आर यू प्लेइंग गेम्स ऑन योर फोन, वर्दा क्या तुम अपने फ़ोन पर गेम खेल रही हो, वर्दा नो आई एम नॉट, ठीक है, आर यू प्लेइंग, वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया तो येस नो क्वेश्चन, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं खेल रही, आई एम जस्ट लुकिंग एट सम फोटोज, मैं सिर्फ कुछ तस्वीर देख रही हूँ, हर मॉम इज़ टेकिंग अवे हर फोन, उसकी माँ ने उससे फ़ोन ले लिया है, उसकी माँ उसे उसका फ़ोन ले रही है, इट्स वेरी लेट, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है, इट्स टाइम टू गो टू स्लीप,
ये वक्त है सोने का, ये अब सोने का वक्त है, ठीक है जी। माई डियर, मेरी प्यारी बेटी, ये अब सोने का वक्त है। वर्दा पेरेंट्स आर सेइंग हर गुड नाइट एंड वर्दा इज स्लीपिंग नाउ। वर्दा के वालिदैन अब उसे शब खैर कह रहे हैं और वो अब सो रही है। सलमान कैंट स्लीप, सलमान नहीं सो सकता है, ठीक है। ही इज़ अनएबल टू स्लीप, आप कह या कह सकते हैं किसी सलमान की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यू कैन यूज़ दिस, सलमान इज़ अनएबल टू स्लीप। आप अनएबल, एबिलिटी को कैन समटाइम्स कैन बी यूज टू शो द एबिलिटी, तो यहाँ पे आप जहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा हो कैन, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बी एबल टू एंड नॉट बीन एबल टू, यानी कि जुमले के ऊपर डिपेंड करता है। सलमान इज नॉट एबल टू स्लीप, लाइक ओवर हेयर वी कैन से सलमान इज़ नॉट एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पा रहा है, वो सलमान कैन नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकता है। वाई द रीज़न, ही इज़ गोइंग ऑन अ क्लास ट्रिप टमोरो, बिकॉज ही इज़ गोइंग ऑन अ क्लास ट्रिप टमोरो, क्योंकि वो कल क्लास के एक ट्रिप पर, एक सफ़र पर जा रहा है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट कॉन्स्टेंटली, ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट, मुतवातर वो उसी के बारे में सोच रहा है। एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत पुरजोश है। सो दिस इज़ द फीलिंग, आप देखें उसको कैसे वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं कि वो इतना एक्साइटेड है, और ये वही टर्म आ गई, एक्साइटेड और एक्साइटिंग, ठीक है। दिस ट्रिप इज़ सो एक्साइटिंग, ठीक है। अगर मैं ट्रिप के बारे में कहूँ कि वो बहुत एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग है, तो मैं उसके लिए एक्साइटिंग यूज़ करूँगा, क्योंकि वो क्वालिटी है ट्रिप की कि वो एक्साइटिंग है, ठीक है, एक किसी को एक्साइट कर सकता है। और अगर वो बंदे की फीलिंग्स को या मेरी फीलिंग्स को, पर्सनल फीलिंग्स को, किसी की पर्सनल फीलिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो वी विल यूज़ एक्साइटेड, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, वी कैन नॉट यूज़ ही इज़ वेरी एक्साइटिंग ओवर हेयर। बहुत सारे पॉइंट्स मेरी कन्वर्सेशन में होते हैं, इंशाल्लाह होपफुली आपको सब समझ में आ रहे हैं। यू आर ग्रैबिंग दैट नॉलेज, और इस नॉलेज के ऊपर की बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में किन किन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड सो दैट वी नीड टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा मैं कंसिडर करूँ जो हमारी कम्युनिकेशन में, डेली कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। स्टिक विद मी फॉर माई अपकमिंग लेक्चर्स, काइंडली लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक दैट स्टफ़, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर माई अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।